दुनिया में जब भी मेडिकल के क्षेत्र में अनुसंधान की बात होती है तो उसमें गिने चुने संस्थान हैं, जिसमें से एक है आईसीएमआर। आईसीएमआर की स्थापना को करीब 113 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और आईसीएमआर का ही एक भाग है एनआईटीएम, जो कि बेलागावी कर्नाटक में है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनआईटीएम के डायरेक्टर डॉक्टर सुवर्णा रॉय जी। इनसे जानेंगे संस्थान के बारे में। सर, सबसे पहले संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल संस्था के बारे में, आईसीएमआर के बारे में मैं जानना चाहूंगा। इसकी स्थापना से लेके एनआईटीएम, जो 27 संस्थान है, वो किस तरह की भूमिका है और कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 27 इंस्टीट्यूशंस है आईसीएमआर के, ये पूरा देश में चारों तरफ फैला हुआ है। इसमें ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेशलाइज रिसर्च करते हैं कि कुछ जो क्षेत्र है वही क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड है, और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, जो वो रीजन का जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं। ऐसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये 2006 में चालू हुआ एज रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। तो हम लोग ये जो वेस्टर्न घाट रीजन है, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा का ये जो ट्राई जंक्शन है, ये एरिया में हम लोग रिसर्च करना शुरू किया। हम लोगों का शुरुआत बहुत छोटे से फॉर्म में हुआ था। हम लोग सिर्फ एक जमाने में सिर्फ 5 ही लोग थे परमानेंट स्टाफ। हम लोग हमारे जो पीएचडी प्रोग्राम्स है और जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है उसको लेके प्रोजेक्ट स्टाफ लेके हमने काम चालू किया फ्रॉम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। हमारे जो ये 25 एकड़ का जो हमारा कैंपस है, ये कैंपस में हमारा बहुत सारा रेसिडेंशियल क्वार्टर्स था, उससे हम लोग काम शुरू किया था। और ये साल हम लोगों का एक्चुअल जो ये जो बिल्डिंग में जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये इसका उद्घाटन हुआ दिसंबर 2023 में ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के हाथों से। और ये जो हम लोग ये बिल्डिंग में हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। 2006 में संस्थान की स्थापना हुई रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के तौर पे। अब वो नेशनल स्तर पे है, 18 साल हो रहे हैं। इस फाउंडेशन डे को आप कैसे देखते हैं? माननीय उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि रहेंगे। वो ज्यादातर जब भी बात करते हैं वो रिसर्चर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं। उनका बेहद इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर हों। तो ऐसे में माननीय उपराष्ट्रपति का आना और 18वें फाउंडेशन डे के तौर पर मुख्य अतिथि बनना, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले ही बताना चाहूंगा कि वी आर एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू नो दैट द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग टू दिस इंस्टीट्यूट फॉर आवर फाउंडेशन डे। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन फोर्स है। तो और हम लोग जो छोटे थे, मैंने बताया कि हम लोग RMRC के रूप में हमारे काम चालू किए थे, अभी हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट है। लेकिन हमारा जो लोकेशन है ये बेलगाम में है, बहुत सारा लोगों को पता नहीं रहता था कि हम लोग ऐसे भी आईसीएमआर का भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ये आयुष और आईसीएमआर का जो रिसर्च को मिलाने का कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है हम लोगों का, लोगों तक पहुंचाने का कि ऐसे इंस्टीट्यूट है और ऐसे रिसर्च हमारे देश में होता है। और ये एक और जरिया रहेगा कोलाबोरेशन बढ़ाने का, क्योंकि हम लोग हर बार एक साथ मिलके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चाहे वो आयुष सिस्टम से क्यों ना हो कि मॉडर्न मेडिसिन से क्यों ना हो, ये जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का है, तो इसके लिए ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट का इधर रहना और हम लोगों को संबोधन करना एक बहुत बड़ा पदक्षेप है। एंड वी एक्सपेक्ट कि दैट वी विल बी एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट and of these dignitaries who will be here.